माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने प्रारंभ में ही कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च। मैं इस अवसर पर समस्त जगत की मातृशक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपनी मातृशक्ति की सामाजिक, आर्थिक, खेल जगत, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हरियाणा की महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से खेल और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हरियाणा की बेटी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। आज मैं उन राज्य स्तरीय पुरस्कार मैं आज राज्य स्तरीय पुरस्कार सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करता हूं। यह पुरस्कार हरियाणा की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय उपलब्धियां की हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र व 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को एक बात और स्मरण करना चाहता हूं कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस गरिमापूर्ण सदन का प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव एक महिला को जाता है और श्रीमती शन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। इसी तरह विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष होने का गौरव भी श्रीमती लेखवंती जैन के रूप में एक महिला को ही प्राप्त है। महिलाओं के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बहुत ही मन को छू देने वाली बात जो कही थी, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। इसलिए इस अवसर पर मैं उनके नाम का उल्लेख करना आवश्यक मानता हूं। हमें उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की सराहना और समर्थन करना चाहिए। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमता योजना की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन परिवारों की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है और जो किसी भी उद्यम, व्यापार, व्यवसाय में उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के आसान ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस ऋण पर हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर की सहायता दी जाएगी। इस स्कीम के बारे में महिला और बाल विकास द्वारा विस्तृत जानकारी शीघ्र अधिसूचित की जाएगी। मुझे आशा है कि यह योजना महिला उद्यमियों को समाज में नई संभावनाएं तलाशने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगी। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए 3 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में ऐसे मकान बनाए जाएंगे जो महिला हॉस्टल के रूप में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने के लिए सहयोगी होंगे। 47 शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने की सुविधा कम करने के लिए विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों के शिक्षा के अवसर सीमित हैं। इन अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार भिवानी के कुड़ल व छप्पर तथा जिला सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज खोलेगी।